इमरान खान के तैयारे में बम की बोगस कॉल, 15 पर बम की तलाश पर पुलिस की दौड़े लग गईं। इंतजामिया के हाथ पैर फूल गए। 16 तारीख की रात 10:30 बजे पुलिस को बम की मौजूदगी से मुतालिक इत्तला मौसूल हुई। पुलिस और डॉल्फिन फोर्स ने मौका पर पहुंचकर सोजीवाल मुल्तान रोड की रिहायशी खातून इरम वहीद को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज। वैसे ही कॉल की थी खातून का दौरान तफ्तीश इंकशाफ। ब्यूरोक्रेसी को काबू करने के लिए महकमा एंटी करप्शन का जाल तैयार। बदनवानी में मुलव्वस सरकारी अफसरान के गिर्द शिकंजा सख्त। करप्शन में मुलव्वस ग्रेड 19 और 20 के 36 सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला, फहरिस्त तैयार। साबिक डीजी ईपीए डॉक्टर जावेद इकबाल, पीडी एग्रीकल्चर डॉक्टर मोहम्मद बशीर, अदनान जफर शामिल। डीजी एंटी करप्शन ने डीएमजी पीएमएस और पीसीएस अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। फाइनेंस मुनीर अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार वहीद अब्बास, शाहिद याकूब, मलिक तारिक, टीएनए शालीमार, परवेज शाहिद खावर, सीईओ लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ख्वाजा हैदर, मेहर इश्तियाक अहमद का नाम भी फहरिस्त में शामिल। असिस्टेंट कमिश्नर शाहिद काटिया, एसी रायवेंट अलाइजार, तनवीर जब्बार, एमएस सर्विस अस्पताल उमर फारूक, डायरेक्टर वासा मियां मुनीर, सुहेल चौधरी, ताहिर रजा हमदानी और वसीम अजमल के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला। डीजी रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर एंटी करप्शन के निशाने पर, इंक्वायरी शुरू। रिजवान नसीर 19 जनवरी को तलब, मोटरबाइक एम्बुलेंस मंसूबा, टेंडर्स, ठेकों, इश्तिहारात का रिकॉर्ड भी तलब किया गया। कैदी नंबर 4470 से मुलाकात का दिन, मरियम नवाज, वालिदा बेगम शमीम अख्तर, कैप्टन सफदर और हमजा शहबाज की कोर्ट लग पर जेल आमद। कारकुनान ने फूलों की पत्तियां निछावर की। परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नजीर, बिलाल यासीन, लॉर्ड मेयर, ख्वाजा अहमद हसान, गजाली सलीम बट और चौधरी शहबाज, राजा फारूक हैदर, साबिक गवर्नर सिंह जुबैर उमर भी कोर्ट लग पर जेल पहुंचे। जेल के अंदर जाने की कोशिश पर डीडी कारकुनान की पुलिस एहलकारों के साथ तलामी। मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा है, ये देखकर दुख होता है। हमारे दौर के तरक्कियाती मंसूबे आज बंद पड़े हैं। अखबार पढ़कर अंदाजा हुआ कि मुल्क बदतरीन हालत में है। मौजूदा हुकूमत को गिराने के हक में नहीं, ये अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। हुकूमत को वक्त देना चाहते हैं ताकि ये काम करें। नवाज शरीफ से लीगी अराकीन की मुलाकात की अंदरूनी कहानी लाहौर न्यूज पर। मरियम नवाज वालिद के लिए सरसों का साग, मकई की रोटी, शनवारी, गाजर का हलवा और खुश्क मेवा जात लेकर आईं। वालिद के साथ मिलकर खाना खाया। मतवालों के जेल के बाहर काइट के हक में नारे। सदके के लिए काले बकरे भी साथ लाए। खातीन सलाई मशीनें साथ लाईं। अलीमा खान के खिलाफ एहतजाज किया। सलाई मशीन से 5,000 के नोट बरामद हुए। कोर्ट लखपत जेल के बाहर लीगी रहनुमाओं के हुकूमत पर तनकीदी वार। परवेज मलिक बोले, नून लीग का बुरा वक्त खत्म हो रहा है, हाई कोर्ट ने हमारी बेगुनाही साबित की। लाहौर की सियासत को नून लीग बेहतर तरीके से चला रही है, अवाम शरीफ फैमिली के साथ हैं। ख्वाजा इमरान नजीर बोले, तब्दीली सरकार को अवाम ने बखूबी देख लिया। बहुत जल्द मुल्क भर में नवाज शरीफ का नारा गूंजेगा। इतने बड़े लीडर को कैद करना बड़ी ज्यादती है। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास, 6 अरब रुपए पीकेएलआई को दिए। हुकूमत में आए तो एक भी अस्पताल मुकम्मल नहीं था, डॉक्टर यास्मीन राशिद का खिताब। पीकेएलआईए ने कोई गलत काम नहीं किया, ख्वाजा सलमान रफीक का जवाब। अगर कोई अस्पताल मुकम्मल किया है तो दिखा दे, वजीरे सेहत का ख्वाजा सलमान रफीक से सवाल। ख्वाजा साहिब अभी बाहर नहीं जा सकते, स्पीकर के जवाब पर ऐवान में कह कहे। इलेक्शन कमीशन में गोशवारे जमा न कराने का मामला, डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी का ऐवान में दाखला बंद। पंजाब काबीना के 10 वज़रा को भी ऐवान में दाखले से रोक दिया गया। वज़ीर आला के 6 मुआवने खसूसी और मशीर भी ऐवान में दाखिल नहीं हो सकेंगे। 113 अरकान के ऐवान में दाखले से रोकने का नोटिफिकेशन भी जारी। पंजाब
पंजाब फूड अथॉरिटी की सूबा भर में देसी घी प्रोडक्शन यूनिट्स की चेकिंग मुहिम। 177 प्रोडक्शन यूनिट्स की चेकिंग, नाकिस इंतजाम पर 2 सील और 5 को जुर्माने। हफ्जानी सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जियों पर 77 प्रोडक्शन यूनिट्स को इस्लाही नोटिस। डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करो, जनरल अस्पताल में पैरामेडिक्स का एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, 2000 मुलाजमीन ने मुतालबात की मंजूरी तक काम छोड़ दिया। इंडोर आउटडोर न्यूरो और ओपीडी बंद करके एहतजाज, मरीज रुल गए। गैस की बंदिश शहरियों के लिए अजाब बन गई, मामूलात जिंदगी मुतासिर, चूल्हे ठंडे पड़ गए। अजीज दिन रोड सांदा के रिहायशियों का गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी। चंद दिन का रिलीफ और फिर वही तकलीफ, सीएनजी स्टेशन आज फिर बंद। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने 1 रोज के लिए सीएनजी बंद कर दी। पीएसओ को कार्गो का बर वक्त बर्थ न मिलने के बाद सीएनजी की सप्लाई बंद हुई। गैस की बार बार बंदिश से सीएनजी स्टेशन मालिकान और आवाम तजब्जुब का शिकार। सर्कुलर रोड पर गुड्स ट्रांसपोर्टर सरापा एहतजाज, कस्टम हुकाम हिरासा करते हैं, नाजायज चालान और मुकदमात का सिलसिला बंद होना चाहिए, ट्रांसपोर्टर्स की दुहाई। वासा का वाटर बम एलडीए गवर्नर बॉडी ने डिफ्यूज कर दिया। घरेलू सार्फिन की वाटर टैरिफ बढ़ाने की वासा की इस्तदा मुस्तरद। वासा ने 100% तक इजाफे की डिमांड की। पानी की सहूलियात बेहतर न होने पर आवाम पर इजाफी बोझ नहीं डाल सकते, गवर्निंग बॉडी का मौकफ। वर्किंग पेपर की कॉपी लाहौर न्यूज पर। नया बल्दियाती निजाम दही इलाकों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। पंजाब में दोजहती बल्दियाती निजाम लाया जा रहा। अराकीनी असेंबली को अपने अख्तियारात छोड़ने पर कायल करेंगे। आवाम का बुनियादी मसला तरक्याती कामों का ना होना है, सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान का बैनल सूबाई बल्दियाती इजलास से खिताब। सूबाई वजीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने संत नगर खजूर वाली ग्राउंड में नए ट्यूबवेल का इफ्तिताह कर दिया। ट्यूबवेल की तंसीब से इलाके का देरीना मसला हल हो गया। संत नगर मेरा दूसरा घर है, महज नारेबाजी के बजाय अमली इकदाम पर फोकस कर रही हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद। सूबाई वजीर सन्नत मियां इस्लाम इकबाल ने अलफतेह रोड पर तरक्याती काम का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वजीर सन्नत का कहना है कि इलाके में टूटी सड़कों की बहाली का काम कर रहे, सेहत और तालीम की सहूलतें भी देंगे। कॉलेज असातिज़ा के लिए अच्छी खबर, तरक्कियों के लिए लाजमी तरबियत की शर्त खत्म। महकमा हायर एजुकेशन का तरक्की के लिए बनाई पॉलिसी में तब्दीली का फैसला। एकेडमी में इस्तादात कार न होने से तरबियत हो रही थी न तरक्कियां। प्राइमरी और मिडिल इम्तिहानात का मामला, तलबा को रोल नंबर स्लिप्स का इजरा शुरू। 26,40,000 बच्चों को इम्तिहानात के लिए रोल नंबर स्लिप्स जारी की जाएंगी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के 8 माह पहले तहलील होने वाले बोर्ड के नाम तजवीज। डीसी ने 13 नामों की तजवीज सेक्रेटरी बल्दियात कमिश्नर लाहौर को भिजवा दी। बोर्ड के तजवीज करदा नामों की फहरिस्त लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। हाई कोर्ट का एक्शन, आवाम की तनकीद। अजायब घर इंतजामिया ने अपने अनोखे कारनामे पर खुद ही पर्दा डाल दिया। अजीब उल खलकत मुजस्मा रंगीन कपड़े से ढांप दिया गया। शैतानी शक्ल वाले मुजस्मे को नस्ब किए जाने पर इंतजामिया को तनकीद का सामना करना पड़ा। हाई कोर्ट ने मुजस्मे की तंसीब पर डायरेक्टर अजायब घर को नोटिस जारी कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में सालाना जॉब फेयर की इफ्तिताही तकरीब, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, हॉस्पिटैलिटी, बैंकिंग, टेक्सटाइल समेत 91 कंपनीज ने अपने अपने स्टॉल लगाए। यूसीबी के प्रोरेक्टर डॉक्टर जफरुल्लाह का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। और बागी जिना में लाहौर प्रेस क्लब के जेर तमाम जज्बा खैर सगाली और डैम फंड के फरोग के लिए क्रिकेट मैच। शोबे सितारों और पाक यूके मीडिया टीम के दरमियान टी20 मैच का इनेकाद। पीएसएल से नया टैलेंट सामने आ गया, अदाकार मुअम्मर राना। अदाकार शान ने भी मैचेस के इनेकाद को सराहा।